सो हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होप करता हूँ सब आप सही होगे। सो गाइस, आज का हमारा ब्लॉग है कि आज है मेरी मदर का बर्थडे, तो आज हम उसे करेंगे सेलिब्रेट। मतलब आज नहीं है, आने वाला है, 12 बजने वाले हैं, तो आज हम करेंगे सेलिब्रेट। तो गाइस, इसके ये कुछ सेलिब्रेशन ब्लॉग होगा, तो इसे एंड तक देखना और लाइक कर देना। टिल देन पीस आउट। अब देखते हैं, मतलब अब चलते हैं आगे। सो गाइस, अभी फिलहाल क्या है सीन, अभी बज रहे हैं 12:55 और 5 मिनट हैं। तो भाई मेरा आज मतलब अगले दिन मतलब 12 बजे के बाद मेरी मम्मी का बर्थडे शुरू हो जाएगा। तो गाइस, अब हम मतलब मुझे बहुत एक्साइटमेंट है कि मैं कैसे शो करूँगा। मतलब मैं केक तो लेके आया हूँ और साथ में गिफ्ट भी लाया हूँ, लेकिन मम्मी को थोड़ा बहुत आइडिया है कि मैं गिफ्ट लेके आया हूँ, लेकिन ये नहीं पता कौन सा। सो अभी क्या सीन है कि गिफ्ट तो मैं छुपा दूंगा, मतलब गिफ्ट नहीं बता रहा मैं कि मैं लेके आया हूँ। एक्चुअली प्लान क्या था कि गिफ्ट देने का, कि मैं गिफ्ट अभी दे देता हूँ, मतलब 12 बजे ही जब केक कटेगा। लेकिन सीन क्या रखते थे, मतलब जो पहले रखा था, अभी तो यही है कि यही करूँगा कि मैं 12 बजे साथ में दे दूंगा, क्योंकि जो मैं गिफ्ट दे रहा था वो कोई और भी दे रहा है, जो मुझे सुनने में आया है। तो मतलब सेम तो नहीं दे रहा, मतलब है तो सेम चीज़ ही, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं वो सेम नहीं है। तो मैं कहूँ मैं पहले दे देता हूँ तो ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा, तो अभी दे दूंगा यार, कोई वो नहीं रखता। तो अभी फ़िलहाल मेरा जो केक है और गिफ्ट है वो नानी घर पड़ा, तो नानी घर चलते हैं और फिर आपको सारा सीन बताऊंगा। अभी आगे आने वाले, मतलब आने वाले ब्लॉग नहीं, इसी ब्लॉग में आके देखना भाई, बहुत फन है और मज़ा आएगा। तब तक के लिए चलते हैं आगे और दिखाता हूँ। पीस आउट भाई। लोगों का नानी घर होता है बहुत दूर, मतलब कि बहुत ही दूर, कि लोग बहुत कहते हैं कि चलो भाई नानी घर चलते हैं रहने, और हमारा नानी घर ये रहा आगे, मतलब जस्ट 10 कदम की दूरी पर। तो भाई ये ऐसी जिसकी किस्मत है। अभी यहाँ लाइट नहीं आ रही, अभी भाई लेने जा रहा हूँ मैं। फ़िलहाल क्या सीन है कि नानी भी चलेंगे, सब मतलब सेलिब्रेट होगा। तो बेसिकली क्या है, अभी यहाँ पर है सीन, मतलब रात का और सुबह का सीन। मैं आपको एक बार केक कटिंग हो जाए फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा सब कुछ, और गिफ्ट भी दिखा देता हूँ क्या गिफ्ट है। भाई ये रहा केक और ये रहा गिफ्ट। बेसिकली अभी जा रहे हैं और बस 2 मिनट बचे हैं मतलब बर्थडे शुरू होने में, तो फटाफट चलते हैं ताकि बस ये रहा, ये मेरी नानी का और वो मेरा घर है। भाई मैंने पापा को भी अभी एकदम से सरप्राइज कर दिया कि मैं केक ही नहीं लाया। पापा का बेसिकली फ़ोन आया मुझको, केक लाया है, मैंने कहा नहीं। पापा बैठे हुए थे मम्मी के सामने, सारी पोल खोल देते हैं A to Z। 12 बज चुके हैं, चलते हैं अंदर। पहले गिफ्ट छुपा दो, पापा डांट रहे हैं, मतलब पापा क्या कर रहे हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू। मुझे भी कह रहे नहीं लाया पाप, मम्मी के सामने बैठ के तो आप बात कर रहे हो। लाएगा तो पूरी हफ्ते बाद आएगा ही, कौन लाएगा। आप तो सरप्राइज रखने नहीं देते कोई बात को। बंद कर दे जरा, एक मिनट, जल्दी जाओ। हैं नानी आ गई। ओ गाइज, गुड मॉर्निंग। अभी के बज रहे हैं 12:40। तो भाई
मैं लेट हो गया था उठने के लिए मम्मी का, मतलब मैंने सोचा था कुछ कि कुछ करूँगा, वो हो नहीं पाया। बेसिकली क्या हुआ था, अब फिलहाल बज रहे हैं 12:40, तो 1 बजे मुझे जान लेके जाना है, केक लेके आएंगे और उसके बाद होंगे रेडी। तो अभी तो मैं नहा धो के मतलब रेडी हूँ, अभी हम जाएंगे केक लेने, और केक लेने के बाद रेडी होके दिखाएंगे, रेडी होके क्या दिखाऊंगा, रेडी होकर दिखाऊंगा क्या सीन रहा था पूरा सिस्टम। और भाई अभी फिलहाल हमारी जो पार्टी होने वाली है उसमें आ रहे हैं 21-22 जने आ रहे हैं, तो 21-22 जनों के लिए सारा अरेंजमेंट हमें पहले देखने ही जाना पड़ेगा क्योंकि हमारा ही अरेंजमेंट है इसलिए। सो गाइस अभी के लिए फिलहाल इतना ही, आगे चलते केक लेने और सारा सीन दिखाता हूँ, तब तक के लिए पीस आउट। भाई हम निकल चुके हैं हम केक लेने के लिए, सिटी बेकर्स यहाँ पे है एक दुकान, मैं प्रमोशन में कर रहा हूँ मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ हम जा रहे हैं अभी केक लेने, उसके बाद रेडी होंगे क्योंकि अभी मैं कहा था यार अभी ना रेडी होने का फ़ायदा नहीं है, सबसे पहले रेडी होने का फ़ायदा मीन्स नुकसान है क्या कि रेडी तो हो जाओ उसके बाद बैठ रहो सबका वेट करते रहो, सीधा मेरा मन करता है उससे लास्ट में रेडी हो और उसके बाद आराम से मतलब चलो, क्योंकि जब फर्स्ट में रेडी हो जाता ना फिर सब लोग को डांटना पड़ेगा, मतलब डांटना तो नहीं पड़ेगा मतलब सबको बोलना पड़ेगा चलो चलो चलो, तो उसमें दिमाग ख़राब होता अपना, आराम से आखिरी में तैयार हो गए अपना निकल जाएंगे यार। लेकिन यहाँ से ना गलियों में से दिक्कत बड़ी है निकालने की ना गाड़ी। चलो भाई मैं आपको आके केक लेके दिखाता हूँ, और एक बारी केक का डिज़ाइन मैं आपको वहीं रिवील करूँगा जहाँ पे काटेंगे, अभी नहीं दिखा रहा। चलो ठीक है बाय। भाई केक लेके आ चुके हैं, ये बड़ा केक, और भाई पसीने देख रहे हो मेरे उस पर। भाई गर्मी इतनी हो रही है कुछ कहने की हद नहीं, 40 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है, और मतलब समझ नहीं आ रहा कि यार ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ रही है ना, मतलब समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। और यहाँ से यहाँ तक जाने में हालत ख़राब हो गई मेरी, तो भाई बहुत गर्मी है। चलो अब केक ले लिया फिलहाल के लिए, केक मैं आपको दिखाऊंगा वहीं पे जहाँ पे कटेगा वहीं दिखा दूंगा। तो अभी फिलहाल चलते हैं घर पे, रेडी होते हैं फटाफट और निकलते हैं डेस्टिनेशन पे। टिल देन पीस आउट। हेलो गाइस, ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने बेतहाशा धड़कने लगी,
धड़कने बेतहाशा धड़कने लगी, तीर ऐसा चला दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे जो खाई मजा आ गया, मेरे रश के कमल तूने पहली नजर। अभी का कुछ सीन ये है कि अभी खा रहे हैं खाना, यहाँ पर खाना आ चुका है और फिलहाल आपने देख लिया हो क्या सब लोग बन रहा है। अभी आगे जो भी सीन होगा मैं आपको दिखाता हूँ, टिल देन पीस आउट। ये है खाना, ये है शिकंजी, ये है पैसो। मासी आप क्या कहना चाहेंगे? पिंकी मासी, मैं आज मनीषा के बर्थडे पे आई हूँ। मैं तो यही कहती हूँ भगवान आगे यही प्रार्थना करती हूँ कि साल में दो बार आए मनीषा का बर्थडे, हमने खूब इंजॉय करा। मैं देख रही हूँ मनीषा के बर्थडे पे आए हैं लक्ष्य की मम्मी के, बड़ा ही मजा आया, बहुत इंजॉय किया। हाँ सारी डाइट भूल के दबा के खाया है, इसमें मैंने दो बार लिए इस वीडियो को कर दो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो और देन पीस आउट।